मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, जब भी लोकसभा चुनाव होती है तो उस चुनाव के चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की घोषणा करती रही है। इस वर्ष भी 2013 अथवा 2014 में लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से होंगे, इसलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी इसी विषय पर विचार करने के लिए कि किसे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। मैं इसे इंग्लिश में भी कहना चाहूंगा, द बीजेपी इज हैविंग ए ट्रेडिशन टू अनाउंस प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बिफोर लोकसभा इलेक्शन। वी हैव डन द सेम फॉर लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 1996 to 2009। ऑन दिस इशू द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ बीजेपी मेट टूडे एंड डिसाइडेड दैट श्री नरेंद्र मोदी विल बी अवर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन। पूरे संसदीय बोर्ड की तरफ से मैं श्री नरेंद्र भाई को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्राप्त होगा और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस देश में बनेगी। आइए वैसे मैं यह जानकारी दे दूं आपको कि आदरणीय अडवाणी जी का आशीर्वाद लेने के लिए नरेंद्र भाई उनके आवास पर जा रहे हैं। चलिए चलिए चलिए।